गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स आकाश सर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट टू ऑफ चैप्टर फोर हिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। द कलंक्स, जो आज टॉपिक है वो है द कलंक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कलंक्स थे क्या। कलंक्स एक ग्रुप था या फिर एक ट्राइबल ग्रुप था, ठीक है, एक ट्राइबल ग्रुप था उसको जो जावा में निवास करता था। जावा एक द्वीप है, आप जानते हो ना। तो जो जावा में निवास करता था उस ग्रुप का नाम था द कलंक्स, ठीक है। और ये जो कलंक्स थे ये मेनली जो है ये जो विलुप्त थे, इनका मेन जो सोर्स था वो था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इनका मुख्य कार्य था शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना, ओके, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द झूम कल्टीवेशन। तो दे रोज इन रिवेलियन अगेंस्ट द डच इन 1770। जो कलंक्स थे इन्होंने जो है क्रांति प्रारंभ की, जो डचेस लोग थे उनके खिलाफ 1770 में। बट देयर अप्राइजिंग वॉज सप्रेस, लेकिन उनका जो मूवमेंट था, इनका जो उत्थान था उसको सप्रेस मतलब दबा दिया गया, ठीक है, मतलब क्रांति सफल नहीं हो पाई। नेक्स्ट है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन जावा। देखते हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जावा में क्या, उस जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होती थी जावा में उसकी मीनिंग क्या है। फॉरेस्ट लॉज वेर इनेक्टेड इन जावा। जो जावा है उसमें नए नए फॉरेस्ट लॉ आए, जैसा कि मैंने अपने आपको बताया था। इंडिया में भी जो है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पर जो है ब्रिटिशों ने कुछ एक्ट बनाए, नए नए एक्ट बनाए थे, ठीक है। तो उसी तरह से इन्होंने जावा में भी जो है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम से नए नए कानूनों का जो है अनावरण किया, ठीक है। आगे देखते हैं द विलेजर्स रेजिस्टेड दीज लॉ। गांव वाले लोगों ने इनका विरोध किया, ठीक है। फॉरेस्ट टिम्बर वॉज यूज फॉर शिप्स एंड रेलवे स्लीपर्स। जैसा कि आप जानते हो जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो मेन ऑब्जेक्ट था, उनका मुख्य उद्देश्य था कानून, जो फॉरेस्ट लॉ बनाने का उनका मेन ऑब्जेक्ट यही था कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं या जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं वे उनका इस्तेमाल कर सके, ठीक है, जो जंगल से उत्पादन होने वाले सामग्री है उसका वो यूज कर सकें, यही उनका मेन उद्देश्य होता था। कोई भी नया कानून जब वो लाते थे उनका ऑब्जेक्ट, उनकी अपनी एक लालसा हुआ करती थी, ठीक है। तो इसी तरह से उनकी इसमें एक लालसा थी कि जो टिम्बर था उससे जो है वे रेलवे स्लीपर्स बनाया करते थे, जिसकी कमी जो है ब्रिटिश में, इंग्लैंड में जो है ये जो टिम्बर था ये अवेलेबल नहीं था, इसलिए उन्होंने इंडिया में, जावा में और भी बहुत जगह खोज की, ठीक है। आगे है नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द डच गवर्नमेंट यूज द, ये है बैलेंडो डिस्टेंस सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। बैलेंगो डिस्टेंस सिस्टम होता क्या है ये समझ लो एक बार। सो स्टूडेंट समझते हैं बैलेंडोंग डिस्टेंस सिस्टम था क्या, ठीक है, इसे थोड़ा समझते हैं कि बैलेंडो डिस्टेंस। तो इसमें होता ये था कि एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जो डचेस लोग थे, जो डच पीपल्स थे, वो रेंट जो है किराया लगाते थे जो जावा के लोग थे वहाँ पर, जावा के लोगों पर, ठीक है, यानी वो किराया वसूल करते थे, ठीक है। या फिर इसे हम एक फॉरेस्ट के लॉ के रूप में भी समझ सकते हैं इस सिस्टम को, सिस्टम फॉर एक्सट्रैक्टिंग फ्री लेबर फ्रॉम द विलेजर्स। और जिन पर वो ये वाला लॉ लगाया नहीं करते थे उनसे जो है फ्री लेबर जो है वसूल किया करते थे, ठीक है, जिन पर ये वाला जो है सिस्टम नहीं लगाते थे उनसे फ्री लेबर मतलब बिना पैसे के मजदूरी वसूला करते थे। थैंक यू।